¿Sabes, Pelín? Thank you.
जियार साहब खून ले लिए सब लोग यहाँ पे जो सब सबको आने दो रुको सबको आने दो जल्दी आओ जल्दी पानी में विवेक सर जरा इधर देखिए गुड मॉर्निंग तो जी सर रिकॉर्डिंग आपकी घर जा रही है हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है अभी चारू भेज रहा हूँ रवि मजा आ रहा है भोजन भाई आप ही दबंग दिख रहे हो बस सर आप लोग बड़े भाई लोगों का ऐसा सहयोग बना रहे एंजॉय कीजिए सर यस अभी तुमको प्रसाद हम लोग जल्दी जल्दी आजमगढ़ भेजने वाले हैं गुड मॉर्निंग रिएक्शन आजमगढ़ जिंदाबाद सोहेल सर
डॉक्टर भाई चला ना सर, वो डॉक्टर साहब चला सर जी, अभी 5 बजे काम मिल रहा है, चाय पीती ब्रेक पर लगा दे, ये नंबर काउंटर भी ये सामने लगवा बजा दो ये संग के चेंज करो। फैंटास्टिक मूवमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को, लेकिन हम उन्हीं से जानते हैं उनकी कैसी फीलिंग है अभी तक इवेंट में, उनको क्या फीलिंग आ रही है, तो लेट्स टेक अ लुक। ओके, और इसमें 4 टीम्स हैं, मुंबई वॉरियर्स, मुंबई पल्टन, मुंबई योद्धा। तो आइए हम हर टीम के कैप्टन से और उनके लोगों से, टीम मेंबर से पूछते हैं कि उनको क्या अच्छा लग रहा है। We'll be right back.
इतना भी तो जगह दो यार, होना ही नहीं चाहिए। और पीछे जाओ सर एकदम। मैंने चार पांच रखवाया हाँ। लास्ट टाइम भी उन्होंने बहुत ही कुछ अच्छे आइडियाज उन्होंने क्रिएट करके, उन्होंने सीधा बोला था सीधा राइट जाओ सीधा जाओ ठीक है, पहले फर्स्ट फुल राइट, तो उन्होंने फुल राइट हो गए, लास्ट में आके एक्साइटेड होके यहाँ पे डांस कर रहे हैं तो आप क्लियरली निकल जाओ। तो यहाँ ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारी टीम के अंदर ऐसी चीजें हो जाती है, बट एज ए अपलाइन हमें ऐसे डाउनलाइन से मिल सकते हैं ठीक है, तो उनको क्या है गुस्सा नहीं होना, प्यार से उनको समझा के दोबारा कोई बात नहीं, उनको एंकरेज करो चलो यहाँ तक तो आया, ये बहुत बड़ी बात बात है। सो मैं सिर्फ पर्सनली उनको नहीं बोल रहा, ये हमारे सब टीम के लिए ऐसी चीजें होती है, और हमारे हर जो जितनी भी टीम्स में पार्टिसिपेट किया है, इस एक्टिविटी का मेन मकसद ये है, मेन चीज को जो अपलाइन बोल रहा है या हमारा मेंटर बोल रहा है नेटवर्क के अंदर, उसको या तो हम ध्यान से सुनते नहीं है, या फिर जब वो बोल रहा है तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, हम सजेशन भी लेने जाते हैं, नहीं भी लेंगे तो आप कहीं पे मीटिंग में जाएंगे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा ऐसा मत कर ऐसे कर, ऐसे मत कर ऐसे कर, तो हमको लगता है यार ये सही बोल रहा है, तो हमें इस चीज के लिए शून्य की बहुत जरूरत है। शून्य का मतलब क्या है कि हमें हमारे माइंड को कंट्रोल करना, मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, हमारे माइंड को पूरा फोकस करके आपका जो मेंटर है उस मेंटर की आवाज दिल में उतारना, उसके अलावा और कुछ सुनाई नहीं देना चाहिए, जो अर्जुन ने किया था उनका जो गुरु थे उनकी आवाज ही उनको सुनाई देना चाहिए और कुछ भी उनको सुनाई नहीं देना चाहिए, तो वो ऐसा गुरु हम ऐसा शिष्य हमें बनना है ठीक है, तभी हमें ऐसा गुरु मिले, गुरु जो भी रहेगा आपका आपके गुरु का पूरी बात ध्यान से सुने, ऑब्स्टेकल अगर नहीं आपको लग रहा है बहुत सारे ऑब्स्टेकल आ रहे हैं वही रुक जाओ, रुक के पहले सुन लो कहाँ है मेरे गुरु की आवाज, क्या ढूंढो ढूंढ के आओ भले टाइम ज्यादा लगे, अब यहाँ पे क्या होगा टाइम मतलब जल्दी रेस नापने के चक्कर में दो लोग यहाँ पे आउट हो गए ओके, वही चीज अगर वो धीरे धीरे आते भले ही लेट हो जाते बट वो मंजिल पे तो पहुंचते, अब मेरा बात समझ रहे भले ही लेट हो जाते बट मंजिल पे तो पहुंचते, अपना लास्ट का मकसद क्या है क्राउन एम्बेसडर बनना विद हाईएस्ट पीवी के साथ, कोई पांच साल में बन रहा है कोई दस साल में बन रहा है, बट पांच साल में हम पंद्रह साल में बन के हम सबसे हाईएस्ट पीवी लेके आ रहे तो सबसे हाईएस्ट इनकम किसका है हमारा, ये मंजिल पे पहुंचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना किसी डिस्ट्रक्शन कोई भी डिस्ट्रक्शन आ रहा है उसको हम क्रॉस करते हुए हमें मंजिल पे पहुंचना ज्यादा हमारा ठीक है, ये एक्टिविटी का मतलब वही है ओके, हार जीत ऐसा कुछ नहीं है बट हम लोग सभी लोग जीते हैं, सब लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा है, हम भी सीख रहे हैं ठीक है, बट फिर भी एक गेम की तरह हमने इसको लिया है, तो दो लोग डिस्क्वालीफाइड हुए हैं, एक तो उसमें क्योंकि टच हो गया है ऑब्स्टेकल को टच हो गया है, एक है मुंबई पल्टन और मुंबई योद्धास ओके, और जो दो लोग क्वालिफाई हुए हैं उसमें से मुंबई वॉरियर्स और मुंबई स्टीलर्स दो लोग क्वालिफाई हुए हैं, इसमें मुंबई वॉरियर्स को क्रॉस करके मुंबई स्टीलर्स विजेता घोषित हुई है, अब जो भी रहेगा ऑब्स्टिकल अब किसी में कम भी हो सकता है किसी में ज्यादा भी हो सकता है डिपेंड करता है ओके, तो यही था इस एक्टिविटी का मकसद, तो एक जोरदार तालियां आप सबको, एक्टिविटी नहीं होती थी मीटिंग की, तो मैंने एक बार सुजीत सर से आके पूछा कि भाई क्यों सब जगह मीटिंग लगाते हैं विरार में क्यों नहीं मीटिंग करवाते, तो उन्होंने बोला आपका ही रो है आप किसी से बात नहीं करते, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है लेकिन दिखने में क्या लोगों को लगता रहेगा कि ये आदमी ईगोस्टिक है, फिर मैंने एक आदमी को ऐसा पकड़ा कि जो हमेशा हंसते रहते एसएम मिश्रा जी, एसएम मिश्रा जी से मैं बात करने के बाद मेरे यहाँ पे हर मंथ में तीन मीटिंग तो एटलीस्ट होता ही है, और उसमें उनका भी टीम डेवलप हो गया मेरा भी बिजनेस बढ़ गया, इसके लिए मिलकर काम करेंगे तो बेटर, एक से नंबर, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो लोगों को पता होना चाहिए उसका यूनिकनेस क्या है, आप सबको पता है बिहार का सेकेंड लार्जेस्ट सेलर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड, हेल्दी कॉफी का हम पूरी दुनिया में सबसे बड़े सेलर हैं, दुनिया के तकरीबन 180 से भी ज्यादा देशों में हम हेल्दी कॉफी और वो भी कैनोडर्मा कॉफी का हम, और डीएक्सन आपको पता होगा कि डीएक्सन का सबसे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट आफ्टर आरजे जीएल कहे वो कॉफी है, शायद दुनिया में डीएक्सन नंबर वन होने की कगार पे कॉफी की वजह से शुरुआत हुई,
एंड सो टुडे वी हैव ऑल द वैरायटीज। जो डीएनसी में क्या क्या वैरायटीज कॉफी की वो सब हम जानेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, जो लोग नए हैं वो भी जानेंगे। आप लोग देखिए यार, मैं जा रहा हूँ घर पे जा रहा हूँ, मैं आप पीछे हो जाए चलो कम। अरे सरल आप देखते रहिए, भाभी जी इधर देखिए, इधर देखिए, हाँ करो आगे मालूम पड़ जाएगा। अब लीजिए क्योंकि हो गया। लगाम पकड़ा नीचे बुलाई। दूसरा सर ध्यान से, डोंट डोंट टॉक डोंट टॉक। चलो अभिषेक सर अभी आप चलो उनके बारे में जा चलो पैसा सुन रहे हो पल्टन आगे है। सब लोग देखो यही सही आ गया आपको क्या सिखाया था, एक मिनट होगा देखो ये सिखाया गया था। मैं बोलना नहीं एक्शन कर यहाँ तक क्या हो रहा था, अगर वहां जोर होते तो ये होता था। ओके थैंक यू जोर करता है। कॉफी से बनाया हुआ कॉफी भी हो सकता है और मिक्स भी हो सकता है, ये मिक्स भी हो सकता है, हो सकता है चारों मिक्स हो। ओके हो सकता है तीन तीन कॉफियां एक में मिक्स की हो। ओके सबका नाम बताइए। ठीक है चारों कॉफी एक में भी मिक्स किया हो सकता है, दो कॉफी एक में भी मिक्स किया हो सकता है, सिंगल सिंगल कॉफी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी कुछ भी है। अब इस कॉफी को आपको क्या करना है, एक बंदा यहाँ पे आना चाहिए, अब आपको सेलेक्ट करना है टीम में। इसमें दो चीज है, आप कॉफी जीते कि नहीं जीते वो भी मालूम करना पड़ेगा। दो लोग आएंगे, एक पास में खड़ा रहेगा जिसकी आप खुली होगी, दूसरा जो कॉफी टेस्ट करेगा उसकी आप रुक रहे। दो लोग रहेंगे जो कॉफी टेस्ट करेगा उसकी आंख बंद रहेगी, जो पास में खड़ा रहेगा उसकी आंख खुली रहेगी। ओके राइट समझ में आया। अब हम में से हम दोनों में से मैं वहां पे खड़ा रहूंगा। अब जो बंदा टेस्ट कर रहा है एक कॉफी उठाएगा पिएगा, इसमें टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है,
आप टाइम ले सकते हैं, इसलिए आराम से इसमें आपका देखा जा रहा है कि आप इस किसी चीज को कैसे एनालाइज करते हैं। ठीक है, कॉफी तो सब पीते हैं, ऐसा नहीं है, जस्ट मजाक किया है। ठीक है, सब लोगों ने कोई ना कोई सारे कॉफी वैरायटी पिए हुआ है, ओके, एक बार तो पिए ही। तो आप इस चीज को कैसे एनालाइज करते हैं ज्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, और आप उस टेस्ट को कैसे पता कर पाए, हो सकता है किसी का एनालिसिस छुपा हो, कम रहेगा किसी का ज्यादा रहेगा, डिपेंड नहीं करता, जिससे गेम का पार्ट है इसलिए हम इसको एंजॉय करें। एक्चुअली इसका आइडिया पूरा जाता है डॉक्टर सारंग को, ये कुछ भी करेंगे तो ऑफिस ग्रीन वन अभी नया तरीका का है कि पहले वाला आपको ध्यान रखना है, जो कॉफी टेस्ट कर रहा है वो आराम से कॉफी को टेस्ट करे, और टेस्ट करने के बाद वो थोड़ा सोच समझ के जो भी कॉफी रहेगा, मान लो पहला वाला उठाया, सपोज एक एग्जांपल, पहला वाला उठाया आपने टेस्ट किया, तो टेस्ट में आपको लग रहा है कि चारों कॉफी डाला गया है, सपोज आपको ऐसा लग रहा है कि चारों कॉफी का मिक्स है, तो आपका जो पार्टनर बगल में खड़ा है उसको बोलना है, ठीक है, ये कॉफी है, तो जो पार्टनर है उसको बोलना नहीं है, उसको मैं ये पेपर दूंगा, ये पेपर में सिर्फ लिख देना, अपना टीम का नाम लिखेगा, और जो उस बंदे ने पास किया वो चीज यहाँ पे लिखना, ओके, और जो बोल रहा है वो धीरे धीरे बोले, हो सकता है चार कॉफी मिक्स किया तो एकदम से समझ में नहीं आए, तो उसको जो सुन रहा है उसको भी सुनने में आए, आराम से बोले जो बोल रहा है, वन बाई वन बोलो तो लिखता जाएगा, क्लियर, और डिस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, नहीं है, बोलो चारों कॉफी एक टीम की अलग अलग टीम, ये एक एक टीम आई, एक एक टीम को, एक एक टीम को चारों कॉफी, पढ़ा उसने, दो चार और किताबें उसने ली, पूरा पढ़ा,
पूरी जानकारी ली और सिर्फ कॉफी मंगाया। कॉफी ले जाके मैं दिया भी, लेकिन उसने पिया क्योंकि उसने उसके डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने मना कर दिया। अब इसमें ये है वो है, कॉफी क्यों लेना, गैनोडर्मा क्या है, कहां से है, और मैं जाके फैक्ट्री देख के आऊंगा, किसी डॉक्टर से मिलवा तो मैंने कहा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, कहां जाके मैं डॉक्टर ढूंढ के लाऊं। मैंने छोड़ दिया एंड दैट क्लास गॉट बंद। 15-15 महीना पहले मेरे पास कॉल आया, बोले सर आप आ सकते हैं क्या घर पे एक बार मिलने। मैंने कहा क्या हुआ, बोले सर वो कॉफी। मैंने कहा कॉफी क्या हुआ, बोले सर घर पे आ जाइए आप फिर बात करते हैं। घर पे उनसे मैं मिलने गया, कि मेरा एक दोस्त है जो जर्मन है, वो मेरे पास एक महीना पहले आया हुआ था, या मतलब 1.5 महीना पहले, एक हफ्ता पहले उनके पास आया हुआ था, और उसने उनके शोकेस में कॉफी देखी थी। शोकेस में कॉफी देखी तो पूछा ये कॉफी तो डीएक्सएल की है, उनके फ्रेंड ने बोला ये डीएक्सएल की कॉफी है, तो बोले हाँ ये मेरे योगा सर है जिन्होंने मुझे कुछ मशरूम के बारे में बताया था, और उसका कुछ कैप्सूल वगैरह आता उन्होंने बताया था, बोले हाँ वो दो बॉटल है वो ये है। उनके दोस्त ने अपने बैग में से निकाल के वो दो बोतल दिया, वो था आरजीजीएल। दैट मैन वाज टेकिंग आरजीजीएल फॉर लास्ट 25 इयर्स, 25 साल पुरानी डीएक्सएल कंपनी है। वो बंदा जो उनका जर्मन फ्रेंड था वो मलेशिया में 15 साल रहा था 25 साल के पहले, वो आरजीजीएल जानता था, और 25 साल से जो व्यक्ति आरजीजीएल खा रहा हो उसका क्या होगा, बॉडी लैंग्वेज, उसका बिलीफ, उसका प्रेजेंटेशन, उसका बात करना। उसने बताया कि यार मैं 25 साल से खा रहा हूं और ये है 80 साल का था, 80 साल का था, दैट फिट एंड जर्मन था वो। ये व्यक्ति ने देखा, बोला यार मेरे सर ने यही बॉटल बताया था, और वो व्यक्ति उनको अपना दोनों बॉटल देके चला गया। इसने खाना शुरू किया, वो बड़ा बॉटल उसमें था 50% था। 15-15 दिन में उसको जो फीलिंग आया होगा, उसके बाद उसने मुझे फोन किया, ही कॉल्ड मी, और उसके बाद उसने तकरीबन 40,000 का बड़े बड़े दो पैक, क्योंकि उसकी वाइफ को ये कैंसर था। और ये सब एक्सपीरियंस समझ रहे ना, कि मैंने बताया था तो उसने नहीं समझा, लेकिन कोई दोस्त उसको बताया। एक साल पहले मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ सीडिंग की थी, मेरा फर्स्ट था कि यार कोई बिजनेस नहीं करेगा, मुझे ही पता था, मैं चाहता था ये किसी तरीके से ठीक हो जाए। उसकी वाइफ ने बोला था सर आप लोग ये बेचते हैं इसके पीछे जो है मतलब फायदा होता है। मैंने कहा देखिए फायदा की अगर बात आप पूछेंगे तो फायदा तो आपका डॉक्टर भी आपसे ले रहा है, आपका डॉक्टर भी आपसे फायदा लेता है, बशर्ते फायदा ऐसा है कि आपके बीमार बने रहने में उसका फायदा होता है, और मेरा फायदा है कि आप ठीक हो जाए, आपके ठीक होने में मेरा फायदा है। Now she started using the products, 1.5 महीना हो गया है, अब उनको प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, उन्होंने रेगुलर यूज कर। सो दिस वॉज द स्टोरी दैट आई वॉन्टेड टू शेयर। स्टोरी की बात आई कि गैनोडर्मा जिंदगी बदलती है, उसकी भी शायद जिंदगी बदल गई। सो दोस्तों ये गैनोडर्मा क्या है, गैनोडर्मा क्या है, आज कैसे डीएक्सएल डॉक्टर लिम के हाथों गैनोडर्मा लगा, और डॉक्टर लिम की जिंदगी कहां से कहां पहुंच गई, हम करोड़ों लोगों की जिंदगी कहां से कहां पहुंच गई। मुझे भी इसके बारे में ज्यादा तब पता चला जब मैंने ये बुक पढ़ी। ये बुक पूछ रही आप लोग जाना चाहते हैं, जो नए हैं या पुराने हैं, डिटेल में जाना चाहते हैं गैनोडर्मा क्या है, ये कैसे डॉक्टर लिम के हाथ में आया, क्या क्या स्टेजेस पे, कब उनकी मुलाकात कहां हुई, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, और इसमें ऐसी भी कुछ बातें हैं कि डीएक्सएल का फ्यूचर क्या है, इसमें है वो बातें, डीएक्सएल का फ्यूचर क्या है, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है। तो क्यों ना हम किसी ऐसी शख्सियत से सुने जो जिसने ये लिखा हुआ है, वो हमें ज्यादा अच्छे से बताएंगे। डॉक्टर सवेरा के साथ